Hello, good morning everybody. So now we will discuss about the next another one new topic, that is a introduction about the cell or cell cycle. Not cell exactly, it is a cell cycle. इस particular reproduction, इस cell cycle के अगर बारे में बात करें तो हम लोग एक और discuss करना चाहेंगे. Hello everybody. So good morning. So now we will discuss about the next another one new topic, that is the introduction of cell cycle. इस cell cycle की अगर बात करें तो जो भी living organism होते हैं उस living organism के अंदर the new cells is arises from the pre-existing cells. That is called as a cell division. ये जो cell division है, ये cell division जितने भी organism होते हैं, which may be the living organism, उन सब के अंदर all these cell division are fundamentally All these cell division are fundamentally similar. ये सारे के सारे fundamentally similar होते हैं और that show the unity of life. दूसरी चीज ये कि ये जो cell division होता है, जिस particular cell के अंदर जब cell division हुआ तो उससे दो daughter cells का formation होता है. इस पूरी cell cycle के अंदर जो भी sequential events होते हैं during the cell growth and during the cell division, उसको हम लोग बोलते हैं cell cycle. आप कह सकते हैं the sequence of the events which occurs during the cell growth and cell division known as cell cycle. Means cell growth और cell division के time पे जो भी sequential events होंगे, जो भी process देखने को मिलेंगे, जो भी changes देखने को मिलेंगे, collectively से क्या बोलेंगे, cell cycle बोलते हैं. इनके अलावा यहाँ पे जो cell cycle की बात कर रहे हैं, एक और important बात है कि ये cell divide क्यों करती है. cell divide तब करती है जब nucleocytoplasmic ratio disturb हो जाता है. अब ये क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है जिसको हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बोलते हैं, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है हार्डविक, इन्होंने ये बोला कि द एवरी सेल्स हैव द डेफिनेट न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो. हार्टविग ने एक चीज बोली कि जो भी सेल्स होंगे उन सब सेल्स का एक स्पेसिफिक रेशियो होगा, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा जो फिक्स होगा. लेकिन अगर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और द कैरियोप्लाज्मिक रेशियो अगर ये डिस्टर्ब हो जाए तो सेल आर नेसेसरी टू डिवाइड. जैसे फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज अ रेशियो ऑफ कैरियोप्लाज्मिक. ये कैरियोप्लाज्मिक रेशियो है, अगर ये कैरियोप्लाज्मिक रेशियो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए तो सेल आइदर डिवाइडेड और डाई. How such ratio disturb the cells either divided or die. Thus, the neither cytoplasm nor nucleus can live alone. यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेसिकली साइटोप्लाज्म है या जो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, है ना. नीदर साइटोप्लाज्म नॉर न्यूक्लियस कैन लाइव एलोन, एक दूसरे के अकेले नहीं रह सकता. तो यहाँ पे ये है कि अगर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है अपन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म है, अगर ये किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया तो या तो सेल डिवाइड कर जाएगी या डाई कर जाएगी. दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात हो रही है कि ये मोर और लेस कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शनल होता है बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म. ये स्पेसिफिक किसी भी गिवन टाइप ऑफ सेल्स की एक स्पेसिफिक फीचर्स है कि दैट इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनी गिवन टाइप ऑफ सेल्स. जो कैरियोप्लाज्मिक रेशियो है दैट इज ए मोर और लेस कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनली बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एंड विच इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी गिवन टाइप ऑफ सेल. तो सबसे पहले बात ये याद रखेंगे कि सेल डिवीजन का कॉज क्या है. कॉज ये है कि अगर ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो सेल डिवाइड कर जाती है. दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर यहाँ पे सेल डिवीजन, जो नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन है वो क्या है बेसिकली. अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के रेफरेंस में तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उनके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है. इन प्रोकैरियोट्स द सेल डिवीजन इज मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे मान लो ये सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इनके अंदर मल्टीप्लाई होगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ये डिवाइड करती जाएंगी, ये चार सेल्स बन जाएंगी. तो यहाँ पे बात हो रही है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल डिवीजन मेथड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे. लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो क्या करता है, सेल की रिपेयरिंग में हेल्प करता है.
सेल की रिपेयरिंग में हेल्प करता है, हीलिंग, हीलिंग का मतलब कहीं घाव हो जाए उसको कवर करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए टू द डॉटर सेल्स, और जो फाइनली हमारे पेरेंट सेल के अंदर डीएनए है उसका क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए टू द डॉटर सेल्स ग्रोथ। तो ये तो बात है कि यूकेरियोट के अंदर ज़्यादातर जब भी सेल डिवीजन होंगे तो वो सेल की रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, हीलिंग में हेल्प करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इनटू द डॉटर सेल्स हेल्प करेगा, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर सेल डिवीजन है ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जस्ट ऑर्गेनिज्म है, ये हीलिंग में नहीं हेल्प करेगा, सेल की रिपेयरिंग में भी हेल्प नहीं करेगा। ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इज ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इन सेल डिवीजन। जब भी पर्टिकुलर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ तभी कंटिन्यू होगी जब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए देखने को मिलेगा, सो दैट द एवरी डॉटर सेल्स रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट सेल। इसका मतलब यह हुआ कि जो पेरेंट सेल होंगी उन पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स को सेम अमाउंट ऑफ डीएनए का अमाउंट मिलता है, सेम डीएनए अमाउंट मिलता है, लेकिन डॉटर सेल्स रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम इट्स पेरेंट सेल। सो दिस इज अ मेन नेसेसिटी ऑफ सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। आगे हम लोग अगर बात करें तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो सेल साइकिल होती है ये एग्जैक्टली होती कैसी है। इस सेल साइकिल को सबसे पहले अभी हम लोगों ने बात की कि जब सेल की ग्रोथ होगी, सेल का डिवीजन होगा, तो जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेल साइकिल। ये सेल साइकिल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम है हॉवर्ड पैले, इन्होंने ये बोला कि ये दो डिफरेंट फेज में कंप्लीट होती है, जिसको बोलते हैं इंटरफेज और एम फेज, जिसको बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग फेज और डिवाइडिंग फेज। ये जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल एवरी ऑर्गेनिज्म में, विच इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में जब वेरी करती है तो ईस्ट के अंदर इट कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स, इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। सेल साइकिल ईस्ट के अंदर 90 मिनट में और ह्यूमन के अंदर 24 मिनट में कंप्लीट होती है। दूसरी ये चीज कि इट इज वेरी फ्रॉम, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल साइकिल है जिसको हॉवर्ड पैले ने एक्सप्लेन किया, सॉरी, ये इंटरफेस जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस को बोलते हैं हम लोग प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि जब पर्टिकुलर किसी सेल के अंदर डिवीजन होता है तो वो पहले प्रिपेयर होती है, और प्रिपरेशन होगा किसका, मटेरियल का, एनर्जी का, एटीपी का, प्रोटीन का। तो यहाँ पे इसलिए कहते हैं सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन, दैट इज कॉल्ड आल्सो प्रिपरेटरी फेज। दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे कई सारे एनर्जी रिच कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे एटीपी, डीएनए, आरएनए, इसलिए हम लोग बोलते हैं दैट इज ए एनर्जी फेज आल्सो। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर विजिबल एक्टिविटीज, सेल डिवीजन से क्लियरली विजिबल एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई नहीं देती, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज, नॉट क्लियरली विजिबल एक्टिविटीज रिलेटेड टू द सेल डिवीजन, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। ये जो आपका डिवाइडिंग फेज है, इस डिवाइडिंग फेज को बोलते हैं एम फेज, और इस एम फेज में टोटल सेल साइकिल का 5% लगता है। अगर हम कहें सॉरी, सेल साइकिल का 95% लगता है टाइम किसमें, इंटरफेज में, और 5% टाइम किसमें लगता है, एम फेज में। तो आप ऐसे कह सकते हो कि 95% टाइम इस पर्टिकुलर इंटरफेज में लगता है जिसमें सेल प्रिपेयर होती है फॉर डिवीजन, और उस पर्टिकुलर डिवीजन के वो कितना टाइम लगता है, 5% टोटल टाइम लगता है, और वो डिवाइड करती है ये एम फेज, विच आर कंप्लीटेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फेज, जिसको आप बोलते हो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल में ये है G1 फेज, S फेज, G2 फेज और ये M फेज। आप यहाँ एक बात ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल साइकिल होती है उस सेल साइकिल के अंदर जो मेन अगर फेज की बात करें तो यहाँ पे सेल साइकिल में अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में जो इंटरफेज है वो G1 फेज में, फिर S फेज में, फिर G2 फेज में कंप्लीट होती है, और उसके बाद होती है M फेज। तो ये चार डिफरेंट टाइप ऑफ फेज है कुछ ऐसे जो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें देखी, दैट इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज और
एम्फेज, ये सेल साइकिल है। अब बात करते हैं इस ग्रोथ वन फेज की, या इसको बोलते हैं गैप वन और इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये बेसिकली माइटोसिस के बाद होती है। कहाँ होती है? माइटोसिस के बाद होती है ये फेज, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सॉरी माइटोसिस के बाद होती है इसलिए इसको बोलते हैं प्री के नीचे पोस्ट माइटोटिक फेज, और डीएनए की सिंथेसिस पहले होती है इसलिए उसको बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेटिक फेज। तो जो जीवन फेज होती है इस ग्रोथ वन फेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है यहाँ पे आरएनए से डीएनए का, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए को फॉर्म करेगा इन जीवन फेज। दूसरी चीज यहाँ पे जो बेसिकली अभी हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ अदर सब्सटेंस, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, ये सारी चीजें यहाँ बनती हैं। इसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पे मोनेट फॉर्म में होते हैं। अगर हम बात करें मोनेट फॉर्म की तो ये क्रोमोसोम्स हैं ये मोनेट फॉर्म में है। ओके, यहाँ न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करता है। जीवन फेज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन। इस पर्टिकुलर ग्रोथ वन के अंदर जो लेंथ ऑफ जीवन फेज है ये क्या करती है? वेरी करती है फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल्स। अगर किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर डिवीजन फ्रीक्वेंटली होगा तो वहां पे जीवन फेज शॉर्टर होती है, लेकिन अगर सेल डज नॉट डिवाइडेड तो वहां पे ये जीवन फेज लॉन्गर होती है। आपको एक और चीज याद रखनी है कि अगर पर्टिकुलर सेल के अंदर जीवन फेज विच इज पार्टिसिपेट इन डिवीजन तो यहाँ पे जीवन फेज का ड्यूरेशन कम होगा, और अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसमें, इस जीवन फेज जो है वो जब ये इस पर्टिकुलर सेल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, सेल डिवाइड नहीं करेगी तो क्या होगा वो यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन, इसलिए लिखा है ना यहाँ पे द जीवन फेज लेंथ वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, सेल टू अनदर सेल। अगर ये सेल डिवाइड फ्रीक्वेंटली करती है तो वहाँ जीवन फेज शॉर्टर होती है, और अगर ये डिवाइड नहीं करती है, सेल डिवीजन पार्टिसिपेट नहीं करती है, ये जीवन फेज लॉन्गर देखने को मिलती है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ बात करते हैं कि ये जो जीवन फेज है, अगर इस जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज वेयर द सेल कंटिन्यू द सेल साइकिल देन द एंटर फ्रॉम जीवन टू एस फेज। अगर इस पर्टिकुलर सेल के अंदर की अगर बात करें हियर जस्ट अ मिनट यहाँ अगर हम लोग बात करें जीवन फेज में तो जब इस पर्टिकुलर जीवन से एस फेज के अंदर ये सेल एंटर करेगी, एस फेज के अंदर अगर एंटर करेगी तो कमिटेड होगी डिवीजन के लिए। वो क्या होगी? कमिटेड हो जाएगी, मतलब 99.9% नहीं 100% विच इज पार्टिसिपेट इन द सेल डिवीजन। लेकिन अगर ये जीवन से एस फेज में एंटर नहीं करती है देन इट विल एंटर इन द जी नॉट फेज। इसको हम लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, इसको क्विसेंट फेज बोलते हैं। तो एक बात ये याद रखने वाली ये है कि अगर जीवन फेज एस फेज में एंटर कर जाएगी तो डिवाइड करेगी 100%, और अगर नहीं एंटर करेगी तो इट प्रेजेंट इन द जी नॉट और क्विसेंट फेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सेल रेस्टिंग फेज में चली जाती है तो या तो वो मॉडिफाई कर जाती है या स्पेसिफिक कुछ फंक्शन को परफॉर्म करती है, या क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती है। लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है सेल, ऐसा नहीं कि मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं है, मेटाबॉलिकली दीज आर एक्टिव सेल। अब अगर ये सेल्स टेम्परेरी फेज में एग्जिट होती है, मतलब टेम्परेरी फॉर्म में एग्जिट होने का मतलब कि जीवन फेज डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिवीजन, मतलब ये एस फेज में एंटर नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जी नॉट फेज में चला जाएगा, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा। और अगर वहाँ पे ये टेम्परेरी फॉर्म में है विच इज कन्वर्टेड इनटू पेरेन्काइमेटस सेल्स, वहाँ क्या होगा, पेरेन्काइमेटस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो पेरेन्काइमा सेल्स होंगी उनके अंदर डिवीजन पावर होती नहीं है। दूसरी चीज कि अगर ये मैच्योरिटी की बात करें, ऑन मैच्योरिटी इट इज कंटिन्यूड एंड एंटर इन द सेल डिवीजन, अगर
मैच्योरिटी की टाइम पर जा करके इनके अंदर ये टेंडेंसी आ सकती है, इट हैविंग ए कैपेबिलिटी फॉर डिवीजन। तो नॉर्मली क्या है कि इफ दी सेल्स आर प्रेजेंट इन जी नॉट फिट और इफ इट इज टेम्परेरी एग्जिस्ट देन इट इज फॉर्म देन इट इज मॉडिफाइड इन टू द पैरेन्काइमेटल सेल्स। अगर ये परमानेंटली एंटर कर जाएगा तो परमानेंटली जब ये एग्जिट करेगा, परमानेंटली रेस्टिंग फेज में पड़ा होगा, देन इट इज कन्वर्टेड इन टू द स्क्लेरेन्काइमेटल सेल्स और द नर्व सेल्स। ये बात क्लियर है कि या तो ये जीवन फेज एस फेज में कन्वर्ट हो जाए तो सेल डिवाइडेड करेगी, और अगर ये डिवाइड नहीं करती है, जीवन से एस फेज में एंटर नहीं करती है, तो जी नॉट में चली जाएगी। उसको क्विसेंट स्टेज बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। या तो वो मॉडिफाई करेगी या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर वो मॉडिफाई करती है तो टेम्परेरी एग्जिट कर सकती है या परमानेंट एग्जिट कर सकती है। अगर वो टेम्परेरी एग्जिट करती है तो पैरेन्काइमेटस, वो अगर परमानेंट एग्जिट करती है तो स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स में चेंज हो जाएगी। ये बात है इस जीवन फेज के रेफरेंस में। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो दूसरी फेज है जिसका नाम है सिंथेटिक फेज, और ये जो सिंथेटिक फेज है मतलब ही बोल रहा है सिंथेसिस होगी किसकी, डीएनए की। तो डीएनए की सिंथेसिस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। सिंथेटिक फेज के अंदर अगर ये डुप्लीकेशन हो रहा है, सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर डुप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एस फेज इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मोनेट फॉर्म में ना हो करके डायड फॉर्म में होते हैं। ये है आपके डायड फॉर्म में क्रोमोसोम्स, तो ये क्रोमोसोम्स डायड फॉर्म में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पे सिंगल था। दूसरी चीज की यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए होते हैं वो डबल होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए नॉट क्रोमोसोम्स, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। जैसे मान लो जीवन फेज के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए था 2c, तो जैसे ही इट एंटर इन एस इट बिकम्स 4c, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डबल। बट विच इज नॉट द क्रोमोसोम्स नंबर चेंजेस, उनके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर कैसे होंगे, सेम होंगे। एनिमल सेल के अंदर ये डीएनए का रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। ये बात याद रखिएगा। एक पॉइंट ये याद रखना है कि सिंथेटिक फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज की डीएनए के रेप्लिकेशन के अलावा सेंट्रियल भी डुप्लीकेट करेगा, बट विच इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, दैट इज इन द साइटोप्लाज्म। तो ये बात हुई सिंथेटिक फेज के रेफरेंस में। नेक्स्ट वन जिसको बोल रहे हैं G2 फेज, और इसको बोलते हैं प्री माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस से पहले की बात है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडीज, इन सबका यहाँ पे डुप्लीकेशन होता है। एक से दो सेल्स बन सकती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बन सकते हैं। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन और डीएनए की रिपेयरिंग भी इस पर्टिकुलर G2 फेज में देखने को मिलती है। G2 फेज के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स एज वेल एज डीएनए का रेप्लिकेशन भी देखने को मिलता है। एनिमल सेल्स के अंदर जब भी माइटोटिक डिवीजन होगा वो सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। जब भी एनिमल सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है वो डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है, जबकि माइटोसिस जो होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल ये जो माइटोसिस होगी वो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल्स में हो सकती है। ये डिफरेंस है। अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल के अंदर माइटोसिस हो सकती है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये माइटोटिक डिवीजन ओनली इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं इस एम फेज के रेफरेंस में जिसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। ये जो माइटोटिक फेज होती है जिसको हम लोग डिवाइडिंग फेज बोलते हैं, इस डिवाइडिंग फेज में दो फेज होती है, एक बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। मींस डिवाइडिंग फेज और द एम फेज आर कंप्लीटेड इन, दैट इज ए कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। इस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग ये बात करें कि दिस इज ए मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज ए मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, जिनके अंदर जो विच इन्वॉल्विंग ए मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, इन्वॉल्विंग ए मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली
ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल, जिनकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट और प्रोजेनी के अंदर सेम होंगे। जब भी पर्टिकुलर किसी माइटोटिक फेज या डिवाइडिंग फेज जब भी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जब क्रोमोसोम्स नंबर की अगर बात करें तो पेरेंट्स और प्रोजेनी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, सेम होंगे। और ये दो फेज या दो प्रोसेस में कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस में काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये कैरियोकाइनेसिस में जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा वो मियोसिस और माइटोसिस दोनों में होगा, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर्स इन माइटोसिस एंड मियोसिस। ये कैरियोकाइनेसिस चार फेज में कंप्लीट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटो, साइटो मीन साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। और ये साइटोप्लाज्म क्या क्या अंदर होगा, डिवीजन। तो यहाँ पे जब डिवीजन होगा तो इस डिवीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर डिवीजन वही माइटोसिस और मियोसिस दोनों के टाइम पे होगा। दूसरी चीज, ये फोर स्टेज में कंप्लीट होती है, इट इज नॉट कंप्लीटेड इन फोर स्टेज। जैसे कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में कंप्लीट होती है, फोर फेज में कंप्लीट नहीं होती। यहाँ साइटोकाइनेसिस एनिमल और प्लांट के रेफरेंस में बात करें तो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। ये आज हम लोगों ने बात की इस पर्टिकुलर इस कहने की इंट्रोडक्शन अबाउट द सेल साइकिल, और सेल साइकिल में जो सेल साइकिल के अंदर दो डिफरेंट फेज थी, एम फेज और आई फेज, मतलब कह सकते हैं इंटरफेज और एम फेज, जिसको डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल के आगे की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं माइटोसिस, मतलब ये माइटोसिस होगी कैसे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर को जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया पार्ट वन में, व्हाट इज सेल साइकिल, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।